उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दोहरे हत्याकांड को गंभीरता से मानते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अलग से वरिष्ठ जनों के लिए सुरक्षा योजना बनाने के निर्देश दिए। दरअसल रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित पौष कॉलोनी शिवालिक नगर के एक मकान में बुजुर्ग दंपति के क्षत विक्षित शव पुलिस को बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से दोनों वृद्धजनों की हत्या की है। इस क्रम में आज घटनास्थल का निरीक्षण करने डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार हरिद्वार पहुंचे। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि इस घटना में पुलिस की जांच आगे बढ़ी है, लेकिन अभी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस घटना के खुलासे के लिए एसटीएफ की टीम भी लगाई गई, साथ में स्पेशल टीम को देहरादून से बुलाया गया है। पुलिस जल्द ही इस डबल मर्डर केस का खुलासा करने में सफल होगी। गंभीर घटना हुई है और हमने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। कुछ हमारे अभी तक विवेचना थोड़ी आगे बढ़ी है, किंतु अभी कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिले वर्कआउट के पीछे। मुझे उम्मीद है कि जरूर हम इसको वर्कआउट करने में सफल होंगे। हम जो है पूछाने की टीमें लगाई हैं, हमने भी एसटीएफ की टीम लगाई है और भी स्पेशल टीम बुलाई है देहरादून से। तो हमारा प्रयास रहेगा कि केस वर्कआउट हो। उसके अतिरिक्त हमने ये भी कहा है कि जो शिवालिक नगर है, हम काफी समय सुनते रहते हैं, तो इनके लिए एक विशेष सुरक्षा योजना आपके नागरिकों के साथ मिल सकते एस एस पी साहब एक बैठक करेंगे, अलग से एक सुरक्षा प्लान किया। मैंने कहा ना, एस एस पी साहब नागरिकों के साथ मिलकर इसे ज्वाइंट अफेयर है, अकेले पुलिस भी सब नहीं कर पाती है, तो इस एरिया को और ज्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। बता दें कि शिवालिक नगर क्षेत्र में वृद्ध दंपत्ति की हत्या को पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लिया है, और यही वजह है कि कल आईजी गढ़वाल ने मौके का निरीक्षण किया था और आज खुद उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार स्थिति का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे। पुलिस अधिकारी इस घटना में जल्द खुलासा करने की उम्मीद जताई है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मामले में कब तक दोषियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करती है। हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।